कौन सी बेबी की बात कर रहे हो तुम संजू? बोलो ना, कौन सी बेबी, किससे शादी करनी है तुम्हें? मुझसे या परिणीत से? बोलो ना, ताला क्यों लग गया तुम्हारे मुंह पे? किसके पति बनना चाहते हो, मेरे या इसके? नीति, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम हो मेरी बीवी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो परिणीत क्या है तुम्हारी? और कितना बेवकूफ बनाओगे मुझे संजू, और कितना फायदा उठाओगे मेरे विश्वास का? और तू तो मेरी जान थी। अरे एक बार तो कहा होता कि तू संजू को चाहती है। मैं एक प्यार हजारों संजू तुझ पे कुर्बान कर देती। पर तूने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया है। इतना बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ, मेरे प्यार और मेरे पति को ऐसे बांट लिया जैसे बचपन में हम टिफिन बांटा करते थे, अपने कपड़े शेयर किया करते थे। माना कि दोस्तों में सब शेयर होता है, लेकिन पति शेयर नहीं होता परिणीत। और जो दोस्त ऐसा करती है ना, वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। और तू वही निकली। अरे कभी नहीं सोचा था मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरे साथ ऐसा करेगी। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा सब कुछ खा जाएगी। और आप तो मेरी सासू माँ है ना मम्मी जी, आपने तो मुझे बहू माना था, आशीर्वाद दिया था ना। और आज पता चला कि आप तो अपने बेटे से भी बड़ी धोखेबाज निकली। आपने भी तो अपना पति खोया है। कम से कम आपको तो मेरी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए था ना मम्मी जी। आप अच्छे से जानती है कि एक पति के बिना औरत कितनी अधूरी होती है, उसका क्या हाल होता है। तो फिर क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों नहीं बताया कि मेरा पति सिर्फ मेरा नहीं, किसी और का भी है? अक्सर पति अपनी पत्नी को धोखा देता है, लेकिन यहाँ तो पूरी फैमिली ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। मोंटी, तुम तो मेरे देवर हो ना, और देवर भाई समान होता है। ये फर्ज निभाया तुमने भाई का, अपनी बहन के घर को किसी और के साथ बढ़ते हुए देखते रहे तुम। तुम्हें शर्म नहीं आई? बोलो, जवाब दो मुझे। ताऊजी, आप तो पिता समान है। मैंने बचपन में ही अपने बाऊजी को खो दिया था, पर जब मैंने आपको देखा तो लगा मेरे बाऊजी मुझे फिर से मिल गए। लेकिन आपने भी अपनी बेटी को बचाना सही नहीं समझा। एक बाप अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है, पर आप मेरे परिवार को टूटते हुए देखते रहे ताऊ जी। आपका दिल नहीं पसीजा? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा, बोलिए। अब से मैं क्या कहूँ पता है? सब लोगों से आज तक यही सुनती आई हूँ कि आप इस घर को हमेशा जोड़ के रखती आई हैं। तो फिर आपने मेरी गृहस्थी को कैसे टूटने दिया? क्यों अपनी आवाज नहीं उठाई? क्यों सब कुछ जानते हुए भी आपने संजू और परिणीत को ये करने दिया? नीति पुत्र ऐसा नहीं है। बस कीजिए, आप मुझे आपकी कोई सफाई नहीं सुननी है। अरे जो दुनिया भर को न्याय दिलाती है, उसने अपनी बहू के साथ ही अन्याय किया तो उसकी सफाई सुनने का क्या मतलब? क्या बुरा किया था मैंने आपके साथ ताई जी, जो आपने ऐसा किया? इस घर में जगह तो दी, लेकिन अपने दिल में जगह नहीं दी मुझे कभी।
इतना बड़ा धोखा होते हुए देखती रही आप मेरे साथ। मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है आज। उसकी जिम्मेदार आप भी हैं। नीति प्लीज इन सबको गलत मत ठहरा। गलती सिर्फ मेरी है, इन सब की नहीं है। बस कर, चुप चुप। खबरदार जो तूने और झूठ बोला तो। असली दुश्मन तो तू है। तू आज दिन का सांप है परिणीत, आज दिन का सांप। सॉरी, पर एक बार मेरी बात सुन ले, सच क्या है? बोला ना, सॉरी मत बोल। सॉरी बोल के अपने गुनाहों का कम मत कर, समझे? और इस गुनाह में सिर्फ ये अकेली नहीं है, अब सब बराबर के हिस्सेदार हैं। अब सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। मुझे चीट किया। और क्या सोच के इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई गई कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? कितने शातिर हैं ना आप सब लोग, या फिर कहूं कि कितने सेल्फिश। अपने बेटे और इस खानदान के वारिस के चक्कर में इतने नीचे गिर गए। इसे पता गलती मेरी ही है। नहीं बेवकूफ, मैं सोचती थी कि कितनी लकी हूँ मैं। आजकल के जमाने में इतनी अच्छी फैमिली मिली मुझे। कौन करता है बहू से अपनी इतनी प्यार, है ना? मेरे कहने पर मेरी सहेली को इस घर में रख लिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि लोगों ने मेरी सहेली को इस घर में नहीं रखा है, बल्कि अपनी बहू को इस घर में रखा हुआ। मेरी सौतन को इस घर में रखा है, मेरी सौतन को। नीति प्लीज संभालो। डोंट टच मी। सौतन जी, आप तो बहुत महान बन गए इस खानदान के लिए। मैं इस घर को बच्चा नहीं दे सकती। तूने अपनी कोख उतार देकर मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है। पूरी दुनिया को ये लगेगा कि वाह, परिणीत महान है। क्या सैक्रिफाइस दिया है ना उसने नीति के लिए। लेकिन असली बात तो ये है कि तूने मेरे लिए या इस फैमिली के लिए कुछ नहीं किया है, बल्कि खुद के लिए किया है, ताकि मेरी वैल्यू इन सब के सामने कम हो जाए और तुझे सब पूछे, और बच्चे के चक्कर में संजू भी तुझे संभालता रहे, मुझे भूल जाए, है ना? क्यों किया तूने परिणीत ऐसा, बोल ना। बरनाला में हमारी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी यार, और तूने उसी दोस्ती की आड़ में आके मुझसे इतना बड़ा धोखा किया। पता है, तेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम ना है इसलिए मैं हमेशा अपने सर पर प्रॉब्लम ले लेती थी, और तूने उसका ये बदला दिया है मुझे। क्यों किया? नीति, नीति ये सच नहीं है। तुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मेरा रब जानता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसे तू बोल रही है, जैसे तू सोच रही है। मेरे लिए सिर्फ तेरी खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेरी और संजू की शादी सिर्फ कहने के लिए शादी है। हम दोनों तो कभी पति पत्नी के जैसे रहे ही नहीं है, बल्कि ये मुझसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्यार करते हो। तुझे पता है क्या सच्चा? मत बोल और झूठ। और कितना गुमराह करेगी मुझे अपने इन झूठे आंसुओं से और इन बातों से। हाँ, बेशर्मी की भी हद होती है परिणीत, और वो हद तो पार कर चुकी है दूसरी औरत बनके। नीति प्लीज, और कुछ मत बोलना परी के बारे में। हो, तो आ गए पतिदेव अपनी दूसरी बीवी को सपोर्ट करने, उसे बचाने। और आएंगे क्यों नहीं? बुरा लगा होगा ना इसे दूसरी औरत बोला मैंने, सौतन बोला। और वैसे भी वाइफ के लिए अगर हस्बैंड स्टैंड नहीं लेगा तो पता कैसे चलेगा कि इन दोनों में कितना प्यार है?
नीति, संजू सिर्फ तुझसे प्यार करता है। ये कैसा प्यार है? तुम दोनों बोलते तो हो कि मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम दोनों ने ही मेरी पीठ पे चूरा घोंपा है।